सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग रोज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन डे 24। आज की क्लास में हम अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन कवर करेंगे जो सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप कंप्लीट क्लास देखेगा, ऑल सब्जेक्ट जेके का आपका फर्स्ट डिविजन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सूर्य उगते हुए डूबते समय किस कारण लाल दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? इनका संबंध है सुधार, चुनाव सुधार से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में से थकान अनुभव होने का क्या कारण है? लैक्टिक अम्ल का जमाव होना होता है इसका कारण। क्वेश्चन नंबर फोर, पटना को किसने प्रांतीय राजधानी बनाया था? शेरशाह सूरी ने पटना को क्या बनाया था बच्चों? प्रांतीय राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 75, किस हिंदू देवता के सम्मान में पुरी की रथ यात्रा निकाली जाती है? जगन्नाथ जी के उसमें निकाली जाती है बच्चों, ये सम्मान में। क्वेश्चन नंबर जिसे क्या बोला जाता है, कृष्ण जी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अंगूरों के व्यापारिक स्तर पर उत्पादन की कृषि क्या कहलाती है? इसे कहते हैं विटिकल्चर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, विज्ञान की प्रमुख शाखाओं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रजाति का बाघ आकार में सबसे बड़ा होता है? साइबेरियाई बाघ जो होते हैं आकार में क्या होते हैं, सबसे बड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में अधिकांश व्यक्ति किस क्षेत्र में बेकार है? कृषि क्षेत्र में बेकार है। क्वेश्चन नंबर नाइन, अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद था? यह था आपका पंचतंत्र का। पंचतंत्र के लेखक कौन है बच्चों? जयदेव। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस राज्य में अधिकांश निवासी ईसाई है? यह आपका नागालैंड है। क्वेश्चन नंबर 11, सफेद कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है? ZnSO4 7H2O। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल है, ये तो सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 13, साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना किस भौतिकीय परिघटना की का परिणाम है? प्रकाश के व्यक्तिकरण का। क्वेश्चन नंबर 14, मुगल काल में जासूस एवं गुप्त सूचनाओं तक के संवाहक को क्या कहा जाता था? हरकारा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 15, पंचशील समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ? भारत व चीन के मध्य पंचशील समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन है? मिस्र है जी। क्वेश्चन नंबर 17, रूस की वोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917। याद कैसे करोगे, 17 है ना इसमें, 17 हो जाएगा खतरा, यदि आपका दोस्त रूस गया ना तो खतरा हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य जो है बच्चों आपके, ये भी सोवियत संघ रूस से ही लिए गए हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय रेलवे की सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? माल ढुलाई से। क्वेश्चन नंबर 19, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन था? बहादुर शाह प्रथम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1911 ईस्वी में किया गया था। किसने कराया था, यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा रिप्लाई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, वाहनों से उत्सर्जित धुएं में किसकी उपस्थिति से प्रदूषण होता है? शीशे की उपस्थिति से। क्वेश्चन नंबर 22, 1950 में लागू मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। उसके बाद 15वें नंबर की भाषा कौन सी जुड़ी थी? सिंधी जुड़ी थी। सिंधी के बाद 16वीं, नमक से याद करना, 16वीं 17वीं 18वीं, नैसे नेपाली, मैसे मणिपुरी, कैसे कोकनी। पहले 14 थी स्टार्टिंग में संविधान के प्रारंभ में, 14 थी, 15वीं थी सिंधी, 16वीं थी नेपाली, 17वीं थी मणिपुरी, 18वीं थी कोकनी। क्लियर है जी। उसके बाद एक वर्ड और याद करना है आपको, बदमाश। बदमाश कितनी हो गई थी, 14 पहले थी, 15वीं सिंधी थी, 16वीं 17वीं 18वीं ये नमक था, नेपाली मणिपुरी नमक, नेपाली मणिपुरी कोकनी। फिर एक बदमाश के नाम से चार भाषा याद होगी, वैसे बोर्डो 19वीं थी, बोर्डो डोगरी 20वीं थी, मैसे मिथाली 21वीं थी, और सैते संथाली 22वीं थी। इस प्रकार कुल मिलाकर भारतीय संविधान में वर्तमान में
कितनी भाषाओं का वर्णन है? 22 भाषाओं का वर्णन है, जो कि भाग नंबर 17 में है, भाग नंबर 17 में है, और आपका अनुसूची नंबर 8 में 22 भाषाओं का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 23, घी में कौन सा पोषक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? वसा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहते हैं? फोर्थ स्टेट शब्द से किसका अभिप्राय है? प्रेस का। क्वेश्चन नंबर 26, चेन्ना किस देश की स्थानांतरित कृषि है? ये श्रीलंका की है जी। क्वेश्चन नंबर 27, अजलान शाह ट्रॉफी टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करता है? ये आपका मलेशिया करता है। क्वेश्चन नंबर 28 मोस्ट इंपोर्टेंट है, मद्रास इक्विटेबल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1929 में। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1913 ईस्वी में किसने की थी? ये थी लेडी सदाशिव अय्यर ने की थी, अय्यर ने, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 30, किसने सी एफ एंड्रयूज को दीन बंधु की उपाधि दी थी? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 31, शिवाजी के पिता का क्या नाम था? साजी भोसले। क्वेश्चन नंबर 32, अंग्रेजी किस राज्य की राज की भाषा है? ये आपकी नागालैंड की है। क्वेश्चन नंबर 33, व्यक्तिकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? टॉम्स यंग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 34, दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की किन्होंने स्थापना की थी? पी त्यागराज और टी एम नैयर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 35, उदयपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखा गया था? महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 36, विशाखापट्टनम में तेल शोधनशाला कब स्थापित की गई थी? 1957 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? ये आपके सवालों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, संजीवन नामक बीमा पॉलिसी किस बैंक से संबंधित है? भारतीय स्टेट बैंक से। क्वेश्चन नंबर 39, कौन लोक हितवादी के नाम से जाना जाता था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गोपाल हरि देशमुख। क्वेश्चन नंबर 40, बिड़ला भवन जहां महात्मा गांधी को गोली मारी गई थी, वर्तमान नाम क्या है इसका? गांधी सदन। क्वेश्चन नंबर 41, द्रवीभूत ऑक्सीजन का उपयोग रॉकेट में किस रूप में किया जाता है? ईंधन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 42, भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। क्वेश्चन नंबर 43, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक था? यह था साओ, जिसका नाम क्या था? अन्य नाम वीरसेन। क्वेश्चन नंबर 45, राजकुमार जिन्होंने 1992 का कर्नाटक रत्न सम्मान लिया था, किस भाषा के फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता थे? कन्नड़ के। क्वेश्चन नंबर 46, कोयली गुजरात में तेल शोधन शाला की स्थापना कब की गई थी? 1965 में। क्वेश्चन नंबर 47, एमसी शीतलवाड किस मजदूर संगठन के सदस्य थे? मद्रास लेबर यूनियन के। क्वेश्चन नंबर 48, वैसी स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है क्या कहलाता है? मुद्रा स्फीति। ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल एग्जाम में पूछा जाता है परिभाषा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 49, प्रयोग कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? हर्षवर्धन को जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, सत्यजीत रे की प्रथम फिल्म कौन सी थी? ये थी जी आपकी पाथेर पंचाली। आज की क्लास ये 50 क्वेश्चन की हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।